क्या हमारी आम जिंदगी जो राजनीति की जिंदगी है, मार्केट की जिंदगी है, उससे अलग है? और अगर वो अलग है तो दोनों कैसे अलग है? दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ वर्ड जो है ब्रह्मास ने दिया है। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आज का ये वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से हम ये समझ पाएंगे। तो जब भी हम हैबरमास को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हैबरमास ने दो तीन थ्योरी दी है। हैबरमास एक थिंकर हैं जो जर्मनी में पैदा हुए। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताब पब्लिक स्फेयर के बारे में है, लाइफ वर्ड के बारे में है, कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी के बारे में है। वो दो तरह के रेशनैलिटीज के बारे में बातें करते हैं, जिनमें एक इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी है, कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी है। कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी एक ऐसी रेशनैलिटी है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेंसस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी एक ऐसी रेशनैलिटी है जहाँ सामने से आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ये ज़्यादातर मार्केट में और स्टेट में ऑपरेट होता है। ये लाइफ वर्ड मतलब जब भी हम जिंदगी देखते हैं तो प्राइवेट और पब्लिक देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि लाइफ वर्ड वो दुनिया होती है जहाँ पे हम आम तौर पे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली के बीच, अपने दोस्तों के बीच, उनके बीच में जैसे इंटरेक्शंस होते हैं वो लाइफ वर्ड है। और जो मार्केट का, स्टेट का ये डोमेन होता है, ये सिस्टम का है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस समझना है, क्यों इनकी बातें कर रहे हैं वो समझना है, और फिर दोनों में फ़र्क क्या है ये बातें आपको जाननी। तो लाइफ वर्ड एक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो जर्मन फिलोसोफर हैबरमास ने डेवलप किया, ये बात आपने जान गए। और हर दिन जो हो ये रिफ़र करता है जो एवरीडे लाइफ होती है ह्यूमन लाइफ की, उसके जो इंटरेक्शंस होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये लाइफ वर्ड उसके बारे में है। लाइफ वर्ड एक ऐसा स्फीयर है जहाँ इंडिविजुअल इंगेज करता है वेरियस एक्टिविटीज़ में, अपनी बातें कहता है और अपने आसपास की दुनिया का सेंस बनाता है कि यार चल क्या रहा है आसपास। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है, दशहरा चल रहा है, इन चीज़ों को आप देखते हैं तो ये आपके लाइफ वर्ड का पार्ट है। अगर इन पे मार्केट डोमिनेट ना करे तो आप लोगों को समझें, मीनिंग बनाएं, फिर वो लाइफ वर्ड कैसे कम्युनिकेटिव एक्शन से कनेक्टेड है। तो हैबरमास ने कॉन्सेप्ट दिया है लाइफ वर्ड का। ज़्यादा ये एक ब्रॉडर जो थ्योरी है उनकी कम्युनिकेटिव एक्शन की, उसके पार्ट के तौर पे उन्होंने पहले कम्युनिकेटिव एक्शन बताया है। एक ऐसा एक्शन जहाँ पे आप किसी और से जब इंटरेक्ट करते हैं तो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं, साथ में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और उसका एक पार्ट है लाइफ वर्ड। उन्होंने कहा कि जो लाइफ वर्ड है वहाँ पे कम्युनिकेटिव एक्शन चलती है और यही डेमोक्रेटिक डिलिब्रेशन और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होती है, मतलब यही होता है। फिर वो जोर देते हैं कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, सोशल कोऑपरेशन पे और एक जस्ट सोसाइटी बनाने पे कम्युनिकेटिव एक्शन और लाइफ वर्ड में। और इस वजह से जो भी इंडिविजुअल होता है वो अपने बातें, अपने ओपिनियन कह पाता है, नेगोशिएट कर पाता है और एक शेयर्ड एग्रीमेंट पे पहुंचता है। जैसे आप लाइफ वर्ड में देखेंगे कि फैमिली के विद इन या रिलेटिव्स के विद इन हम कोई भी बात डायरेक्ट थोपना नहीं चाहते, हम अपनी बातें कहते हैं, एक कॉन्सेंसस बनाते हैं, चाहे शादी के मैटर हो, कोई भी मैटर हो, तो शेयर्ड एग्रीमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में ये बातें कर रहे हैं। फिर ये इस वजह से थोड़ा सा फिक्रमंद है लाइफ वर्ड को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि लाइफ वर्ड के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो बहुत बार प्रभावित हो जाते हैं मार्केट से या अलग चीज़ों से। तो कहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी है, जो सिस्टम की ज़रूरतें हैं, वो कहीं डोमिनेट ना कर जाए लाइफ वर्ड पे। इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी मतलब जहाँ पे रीज़न का आप यूज करते हैं किसी और ह्यूमन पे डोमिनेट करने के लिए या अपनी बातें मनवाने के लिए, उन चीज़ों को कहते हैं कि ये सिस्टम कहीं लाइफ वर्ड में ना आ जाए। लाइफ वर्ड में आने का मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है और मार्केट फोर्सेस हैं, ये आपकी लाइफ वर्ड में आके आपकी लाइफ वर्ड को अलग तरीके से ना बना दें। तो इस इंट्रूजन और डिस्टॉर्शन से जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावित होगी और जो जेन्यून डेमोक्रेटिक इंटरेक्शंस हैं, आइडियल्स हैं, वो अंडरमाइन हो जाएंगे। ये डर है, इसी वजह से इस पर लिखते हैं। अब की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं लाइफ वर्ड के? शेयर्ड मीनिंग, इनफॉर्मल सोशल प्रैक्टिसेस, बैकग्राउंड नॉलेज, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और इंटरसब्जेक्टिविटी। इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इतनी बातें वो करते हैं? इन सब अंडरस्टैंडिंग के बीच में जो कोर है वो है कि इंडिविजुअल जो होता है वो आइसोलेशन में नहीं होता है। इंडिविजुअल जो भी होता है वो ग्रुप में होता है और ग्रुप में ही उसके इंटरेक्शन से चीज़ें डिसाइड होती हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फ्रैंकफर्ट स्कूल से थे तो इनकी ट्रेडिशनल थ्योरी की जगह ये क्रिटिकल थ्योरी देने की कोशिश करते हैं जहाँ दुनिया को आप नए तरीके से देख सकते हैं। अब इन चीज़ों को देखते हैं कि लाइफ वर्ड में क्या क्या होता है, आप अपनी फैमिली में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, रहते हैं, उन चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे ज़्यादा बेहतर से समझ जाएंगे। पहला है शेयर्ड मीनिंग। लाइफ वर्ड जो शेयर्ड मीनिंग से, वैल्यूज से, बिलीव से, नॉर्म से चलता है,
जहाँ पे इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक सोसाइटी का पार्ट होता है, कल्चर का पार्ट होता है, और ये वैल्यूज जो होती हैं ये उसको अंडरस्टैंडिंग देते हैं जिससे वो कॉमन फ्रेमवर्क समझ पाता है, इंटरप्रेट कर पाता है दुनिया को और इंटरेक्ट कर पाता है। अब इसको आमतौर पर देखते हैं, सपोज करें आप भारत के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में पैदा हुए हैं, अब आपके आसपास बहुत सारी प्रैक्टिसेस होंगे जिन्हें सिर्फ आप समझ पाते होंगे, आपके फैमिली के विदिन बहुत सारी बातों का जो मतलब होगा आप समझ पाते होंगे क्योंकि बचपन से उन चीज़ों में आप डेवलप हैं। तो जो एक कॉमन मीनिंग है चीज़ों के बारे में वो है शेयर्ड मीनिंग, जहाँ पे आपके सिमिलर वैल्यू हो सकते हैं, सिमिलर बिलीफ हो सकते हैं, सिमिलर मीनिंग हो सकती है, और इसी वजह से आप कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं किसी इवेंट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। फिर इनफॉर्मल सोशल प्रैक्टिसेस, अब इसको आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज होता है, रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, ये कैसे होते हैं। जैसे आप मार्केट में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, तो एक फॉर्मल प्रैक्टिस होती है ना कि आप ये करेंगे फिर ये करेंगे, लेकिन घर पे और बाकी स्पेसेस में आप इनफॉर्मल होते हैं, किससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो बड़ा इनफॉर्मल सा तरीका होता है और वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, ये कहने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरी बात है बैकग्राउंड नॉलेज, लाइफ वर्ड का जो नॉलेज होता है उसमें बहुत इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने सोशल एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं, और सोशलाइजेशन की वजह से जो इंडिविजुअल के एक्शंस हैं, परसेप्शन है, वो डिसाइड होते हैं। अब इसको ध्यान से देखते हैं, जैसे आप अपने घर पे रहते हैं, मार्केट में जब आप सामान लेने जाते हैं तो आप सामान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन मार्केट में किससे खरीद रहे हैं, कौन कैसा है, उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन लाइफ वर्ड में किसी रिलेटिव के बारे में, किसी दोस्त के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, वो कब क्या करता है, उसकी आदतें क्या है। तो बहुत बार जब आप किसी इंसान की आदतें जानते हैं तो आप उसको बेटर गेस कर पाएंगे क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है। सपोज करें आप तीन भाई हैं, बहन हैं, कोई भी है, अब उनमें से किसी की आदत है कि वो अपना बिस्तर ऐसे ही उठने के बाद छोड़ देता है या वो पड़ा रहता है। अब आपकी माँ ने देखा तीन भाइयों में से कौन वो कर रहा होगा, माँ ने बोला कि ये हमेशा ऐसे कर देता है। अब ऐसे करने के बाद भी कोई समझ जाएगा कि किसके बारे में बातें हो रही, क्योंकि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है। अब कोई बाहर वाला होगा उसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलर तौर पे किसी भी इंसान के बारे में, लोगों के बारे में आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है जो हेल्प करता है आपको कॉन्शियसनेस बनाने में। फिर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में बातें होंगी कि लाइफ वर्ड जो होता है वो केवल एक्सटर्नल सोशल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं है, इंडिविजुअल का जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, इमोशन है, वो भी चीज़ों को शेप करता है, कि लोगों के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इमोशंस हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि चीज़ों को कैसे देखेंगे। विद इन फैमिली भी, बाहर भी, आपके साथ कोई कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, इस वजह से भी चीज़ें सेफ होती हैं, ये कहने की कोशिश करेगा। फिर इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करेगा कि ये इसमें जो कम्युनिकेशन होते हैं, इंडिविजुअल बहुत लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल लाइफ वर्ड का मतलब है जैसे हम जो भारतीयों का या किसी और का जीवन शैली होता है आमतौर पर, वो कैसे डेमोक्रेसी को बढ़ाता है, उसके विद इन कैसे डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन होते हैं, उस चीज़ को जानने का लक्ष्य। अब आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि जब हम आम जिंदगी में बातें करते हैं तो क्या आम जिंदगी में हम बहुत रिजिड होकर बातें करते हैं, क्या हम टॉलरेट नहीं करते हैं, क्या हम अपनी बातें कहते हैं जब तो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो जब सुनने के लिए तैयार होते हैं आमतौर पर नर्म लहजे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें किसी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक इंड की तरह, ह्यूमन की तरह हम बाकी लोग को ट्रीट करते हैं, सुनते हैं। तो यही सब हैब्रमास कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लाइफ वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ वर्ड बचा रहना चाहिए, इस पर जो मार्केट है, ब्यूरोक्रेसी है, वो डोमिनेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये स्पेस है जो डेमोक्रेटिक इंटरेक्शंस को प्रमोट करता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और ये बातें रही हैं हैबरमास के लाइफ वर्ड के बारे में। लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे, देखते रहिए। चाहे